भाजपा की जीत हुई है, हम नहीं देखे हैं, हम अभी देखे नहीं है, जाके देखेंगे तो बताएंगे। मैडम चेन्नई में जो बिहारी मजदूरों पर जो पिटाई हुई है, मैडम कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी भी कल वहाँ पर थे, बात हुआ होगा, नीतीश कुमार सब सामने में आ गया है। न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का चौथा दिन है, चौथा दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि जिस तरह से विपक्ष अपने हाथों में तख्ती लिए हुए SC ST मामला हो या फिर नौकरी का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजियाँ करते नजर आए। वहीं बता दें कि जिस तरह से तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, उन पर लगातार लाठियां बरसाई जा रही है, हत्याएं हो रही है, और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं और तमिलनाडु के CM स्टालिन के साथ पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बिहारियों के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि इस पर कोई भी नेता जो है वह बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष के तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। जब यह सवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से किया गया है तो क्या कुछ पहले उनका कहना है, आप वह सुने। क्या है बोलिए मैडम, जो कार्रवाई चल रही है और अभी जो जीत भाजपा की जो आगे जीत हुई है तीन राज्यों में, उसको लेकर क्या करना है? भाजपा की जीत हुई है, हम नहीं देखे हैं, हम अभी देखे नहीं है, जाके देखेंगे तो बताएंगे। मैडम चेन्नई में जो बिहारी मजदूरों पर जो पिटाई हुई है, मैडम कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी भी कल वहाँ पर थे, बात हुआ होगा, नीतीश कुमार सब सामने में आ गया है। चलिए तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है कई राज्यों में, उसको लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से मना करते हुए कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल जिस तरह से बिहार विधानमंडल की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जनता आस लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं बजट सत्र से भला होगा, युवाओं को भला होगा, रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ पहुँचेगा, आर्थिक मदद मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपस में ही सरकार और विपक्ष का नोकझोंक देखने को मिल रहा है। आम जनता का मुद्दा जो है वह कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिख रहा है। दावे तो सरकार के तरफ से हो या फिर विपक्ष के तरफ से हो, बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जब हक की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं सभी के सभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की आपस की नोकझोंक ही सदन में देखने को मिल रही है, तो जनता का भला कैसे हो पाएगा ऐसे में। वहीं जिस तरह से तमिलनाडु में लगातार बिहारियों के ऊपर बर्बरता जो है देखी जा रही है, बिहारियों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हत्याएं हो रही है, और जिस तरह से डिप्टी CM तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं और CM स्टालिन के साथ पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, और जब यह सवाल राबड़ी देवी से किया जाता है तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है, क्योंकि राजद आए दिन गरीबों की बात करती है, दलितों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, और जिस तरह से बिहार के मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और जिस प्रकार से साथ हुए, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार वासियों के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राजनीति अपने जगह पर है और जब बिहारियों के साथ ज्यादती हो और उस पर कोई बोलने को तैयार ना हो तो ये ना कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो है ही। लेकिन देखने वाली विषय यह होगी कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया और अब इस पर क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्टी CM तो इन सब चीज़ों से पल्ला झाड़ चुके, लेकिन अब CM नीतीश कुमार से लोगों की आस है, कितने खरे उतरते हैं यह तो समय तय करेगा। फिलहाल इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ, धन्यवाद।